तो जो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं वो मेरे खुद के इंट्रोडक्शन की है। सर हमारे एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं, कुछ ने बोला कि सर हमारे एग्ज़ाम्स ओनली 20 डेज़ के अंदर है, कुछ ने बोला कि सर एक महीने में मेरे एग्ज़ाम्स हैं, और हमारी सर लास्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को हैंडल करने की। एग्ज़ाम में लिखना और एग्जामिनर को अपने जो लिखा है उसको अच्छा दिखाना, ये एक टाइप से वैसा ही है कि आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे थोरैक्स इन 7 डेज़ के ऊपर। एंड यहां पर हम 7 डे प्लान के अंदर आपको टॉपिक का सीक्वेंस बताएंगे जो कि आपको 7 डे प्लान के अंदर फॉलो करना है। एंड देखिए, जो भी मैं यहां पर 7 डे प्लान के अंदर मैं टॉपिक का सीक्वेंस बताऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक TCML पर अपलोड हो गए हैं, या फिर न्यू सोच लीजिए कि मैं यहां पर वही टॉपिक बता रहा हूं जिन पर TCML पर वीडियोज़ अवेलेबल है। ओवरऑल बात ये है कि अभी थोरैक्स एनाटॉमी के अंदर TCML पर कुछ टॉपिक्स अपलोड करना बाकी है। ओके, तो ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप सोचेंगे कि सर अब करना क्या है हमें। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरे सजेशन के हिसाब से आप थोरैक्स को इस हिसाब से पढ़ना कि आपको जो टॉपिक्स अभी TCML पर अवेलेबल है थोरैक्स के अंदर, पहले आप वो करो। क्योंकि यार, अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखकर नोट्स बनाओगे तो ऑफकोर्स आपका थोड़ा स्पीड से काम होगा, सिंपल वे में काम होगा। एंड देन देखिए, हमने मैक्सिमम टॉपिक तो कवर कर रखे हैं थोरैक्स के अंदर, बस कुछ टॉपिक अपलोड करना बाकी है। तो पहले आप जो टॉपिक अवेलेबल है TCML पर उनके वीडियोस देखकर नोट्स बनाओ। एंड देन जो टॉपिक अपलोड नहीं हुए हैं वह आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप सारा ही खुद से पढ़ोगे तो यार खुद से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड मैं मेरी टीम से भी बोल दूंगा कि जो भी टॉपिक अभी थोरैक्स पर अवेलेबल नहीं है या फिर जो टॉपिक्स थोरैक्स पर अपलोड नहीं हुए हैं उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप ओवरऑल मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, थोरैक्स इन 7 डे प्लान में हमने इसको थोड़ा डिफरेंट वे में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवरिंग्स मतलब पेरिकार्डियम एंड प्लूरास, उसके बाद पढ़ेंगे हम हर्ट वाला, उसके बाद पढ़ेंगे हम लंग वाला, उसके बाद पढ़ेंगे हम पूरी के पूरी ब्लड सप्लाई वाला पोर्शन, एंड देन पढ़ेंगे जो बच गए। क्या क्या? कवरिंग, हर्ट, लंग, फिर पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई, एंड देन जो फिर बच गए। अब देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को कैसे 7 डेज के अंदर हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर थोरैक्स इन 7 डे। 7 डे के अंदर कैसे करें, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग जो तीन है, तीन कौन से? पेरिकार्डियम प्ल्यू, सबसे पहली वाली वीडियो जो देखनी है आपको वो देखनी है पेरिकार्डियम प्ल्यू, PERI मतलब पेरिकार्डियम प्लूरा एंड पेरिटोनियम, कि इन तीनों टॉपिक को आपको एक साथ पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है ताकि आप इन्हें एक साथ पढ़ें, तो एक कॉमन वीडियो आएगी इन तीनों टॉपिक की। उसके बाद आपको पढ़ना है फिर पेरिकार्डियम, एंड देन फिर पढ़ना है आपको प्लूरा। तो मैंने बोला ये तीन टॉपिक तो क्या हो गए, कवरिंग वाले। पेरिकार्डियम हर्ट को कवर करती है, प्लूरा लंग्स को कवर करती है, एंड पेरिटोनियम एब्डोमन में होती है जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। तो फर्स्ट पोर्शन हो गया कवरा। ये तीन वीडियो आपको देखिए, वीडियोज आपको इसी सीक्वेंस में देखनी है। जिस टाइटल पर TCML पर वीडियोज अवेलेबल है उसी टाइटल के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं। आपको बस कुछ नहीं, यूट्यूब पर डायरेक्ट जाकर ये वाला नाम सर्च करना, लास्ट में TCML लिख देना, वीडियो आ जाएगी, एंड डायरेक्ट वीडियोज देखकर नोट्स बनाना ताकि आपका स्पीड से काम हो, एकदम कॉन्सेप्चुअल काम हो। तो फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम की बात आना है हर्ट वाले पोर्शन पर। इसके बाद देखना है आपको हर्ट एक्सटर्नल फीचर्स, देन मीडिया स्टीनम, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हर्ट, स्टिनोसिस एंड रिगर्गिटेशन, सिप्सन्स फेशिया। सिप्सन्स फेशिया ये हमारा लंग्स में चला गया। तो स्टार्टिंग के ये चार वाले क्या है, हर्ट वाले पोर्शन। फिर आपको इन चारों वीडियो को, इन चारों टॉपिक को एक साथ TCML पर देखना है, आपको YouTube पर सब मिल जाएगा इसी नाम से। देन आते हैं अगले वाले पोर्शन पर। अगले वाले जो तीनों काले हैं, सिप्सन्स फेशिया, लंग्स के अंदर क्या पढ़ना है, लंग्स के अंदर क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर इन रूट, कि रूट लंग्स के रूट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। देन उसके बाद ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को पढ़ने से पहले आपको एक वीडियो देखनी है, कॉमन वीडियो। वो कॉमन वीडियो क्या है, जैसे लंग्स के सेगमेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, उसी तरह से लीवर के पास भी सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल लोब्स,
लोब्स या फिर सेगमेंट ए की बात है नियर अबाउट, एंड देन फिर आपको किडनी में भी सेगमेंट्स मिलेंगे। किडनी में कौन से मिलते हैं? वेस्कुलर सेगमेंट्स। तो लंग्स में ब्रोंकोपल्मोनरी, लिवर के अंदर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल लोब्स, एंड किडनी के अंदर वेस्कुलर सेगमेंट्स। तो ये थोड़ी चीज़ें सिमिलर है, मतलब कि अगर आप लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के साथ साथ लिवर और किडनी के सेगमेंट्स भी पढ़ो तो आपके लिए चीज़ें सिंपल होगी। तो पहले ये देखनी है वीडियो, फिर ये वाली वीडियो देखनी है, फिर ये वाली वीडियो देखनी है, एंड देन फिर ये वाली वीडियो देखनी है। तो ऑफ कोर्स ये चार वीडियो का काम हो गया, 1, 2, 3, 4 वीडियो काम हो गया किसके अंदर? लंग्स के अंदर। तो सबसे पहले कवरिंग, फिर हर्ट, फिर लंग्स। अब आते हैं पूरा का पूरा रेड रेड वाला पोर्शन, ये क्या है? देखिए रेड रेड वाला पूरा का पूरा है, दिस इज द ब्लड सप्लाई, ये पूरी ही पूरी ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई का आपको इसी सिक्वेंस में पढ़ना है ताकि आपके लिए चीज़ें सिंपल हो, आपको एकदम समझ के याद हो। मतलब अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मैं इसके बाद ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके बाद ये क्यों पढ़ रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? अवोल्टा पार्ट्स वाली वीडियो, देन एक्सटर्नल एंगल वाली, देन फिर कोरोनरी कैरोटिड एंड अवोल्टिक साइनस वाली वीडियो, देन होल बॉडी ब्लड सप्लाई, देन सबक्लेवियन आर्टरी, एक्जिलरी आर्टरी। ये दोनों वीडियो तो शायद आपने अपर लिम में कवर कर ली होगी, अगर वहाँ कवर नहीं की है तो ऑफकोर्स फिर यहाँ देखनी पड़ेगी आपको। देन थोरेसिक अवोल्टा ब्रांचेज, हर्ट ब्लड सप्लाई, लंग्स ब्लड सप्लाई, मेमोरी ग्लैंड ब्लड सप्लाई, ये तीनों ब्लड सप्लाई है, हर्ट की, लंग की एंड मेमोरी ग्लैंड की। एंड मेमोरी ग्लैंड का नाम आया तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप एक क्लिनिकल भी देख लेना इसका, मेमोरी ग्लैंड का ही क्लिनिकल है जिसे बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी साइन, ये वाली वीडियो देखनी है। देन फीटल सर्कुलेशन, देन अजाइगस, असेसरी हेमी अजाइगस एंड हेमी अजाइगस वेन। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आपको देखनी है वीडियो हर्ट के वीनस ड्रेनेज की। तो ये सारा का सारा लाल लाल वाला है, पूरा का पूरा ब्लड वाला पोर्शन, एंड इसको आप इसकी सारी वीडियोस थोरेक्स वाली इसी सीक्वेंस में देखनी है। देन लास्ट में आते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि टॉपिक अभी हमारे यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स। इसमें आप पढ़ेंगे थोरेसिक डक्ट, वो वाली वीडियो देखना, देन इंटरकोस्टल नर्व ICN एंड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड लंबर। ओके, तो ये चार वीडियोस देखनी है आपको इनके ब्लड के बाद। ओके, तो ये सारा का सारा सीक्वेंस था, आपको ये पूरा का पूरा पेज वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। एंड देखिए एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी जो चीज़ अवेलेबल है पहले वो करो ताकि आपका स्पीड से काम हो, आपके खुद के नोट्स भी बने, आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सको। ओके, तो पहले इतना कवर कर लेना, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो टॉपिक हमने यहाँ पर थोरेक्स के अंदर कवर नहीं कर रखे हैं वो खुद आप सेल्फ से पढ़ लेना, या फिर मैंने बोला ही है कि मैं अपनी टीम से बोल दूंगा थोड़ा स्पीड से काम करने की ताकि हम आपको बचे हुए टॉपिक भी जल्दी ही अवेलेबल करा दें। ओके, एंड अगर आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम आती है 7-day प्लान के अंदर या फिर TCML पर अदर वीडियो में आपको अब भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, बाय।